पीएम मोदी के काले धन के खिलाफ सबसे बड़ी मुहिम में उनकी पार्टी बीजेपी भी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही है। कैश लेने के लिए लाइन में खड़े लोगों को कम से कम परेशानी हो, इसके लिए बीजेपी अब लाइन में खड़े लोगों के लिए चाय नाश्ते की व्यवस्था करने पर भी विचार कर रही है। रविवार की शाम जब मोदी सरकार अधिकारियों के साथ मौजूदा हालात से निपटने पर चर्चा कर रहे थे, तब बीजेपी अपनी स्ट्रेटजी तैयार करने में बिजी थी। एटीएम और बैंकों के बाहर खड़े लोगों की नाराजगी की खबरें आने के बाद पार्टी ये सुझाव भी हासिल करने में जुटी है कि हालात से कैसे निपटा जाए और लोगों को किस तरह से समझाया जाए कि ये दिक्कत अस्थाई है और ब्लैक मनी के खिलाफ लॉन्ग टर्म लड़ाई को इससे काफी फायदा है। इसके लिए लंबी लाइन में खड़े लोगों का चाय नाश्ते की व्यवस्था करने पर विचार किया जा रहा है, ताकि उनकी परेशानी कम हो और राष्ट्र को नई दिशा देने वाले इस कदम के साथ वो और अधिक और अच्छे तरीके से जुड़ सके। NMF News की रिपोर्ट।